एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस से अभी तक दूर है अपराधी, नहीं हो सकी अभी तक कोई गिरफ्तारी। सुल्तानपुर के चर्चित बस इलाके बस स्टॉप पर चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाने वाले घनश्याम गुप्ता अपने भांजे गोविंद के साथ एक ठेला लगाते थे। बीते 15 फरवरी को ठेला लगाने को लेकर बगल के ही चाय ठेला लगाने वाले अभय राजा उर्फ बोतल से मामूली सी बात में कहा सुनी हो गई, जिस पर अभय और राज उग्र होकर ठेले पर खौलते हुए तेल को पीड़ित के ऊपर फेंक दिया, जिसे वह गंभीर रूप से झुलस गया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके भांजे गोविंद को भी छन के बट्टे से मार कर घायल कर दिया, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। उक्त घटना की सूचना पीड़ित ने थाना कोतवाली नगर में दी है। जहां पर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभय और राज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया, किंतु एफआईआर दर्ज होने के तदुपरांत भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे पीड़ित परिवार ने आज एसपी कार्यालय आकर एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपनी फरियाद सुनाई, जिस पर एसपी ने तत्काल सुनवाई करते हुए अपराधी को पकड़ने और विधिक दंडात्मक कार्रवाई करने का नगर कोतवाल को आदेश दिया। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या करते हैं आप? बगड्डे के शोले बगड्डे की दुकान है। ये कैसे चोट लग गई आपको? क्या था मामला पूरा? चोट लग गई हमारे दुकान के सामने, वो ठेला लगाता है चाय का, उससे बोले भैया अपना ठेला हटा लो, बस इसी चक्कर में झगड़ा हो गया, बातापाती होने लगी, उसके छोटे भाई से बहस हो रही, तब तक वो ठेले ठाली पे हम आधा हो गया। उसके बाद उसका बड़ा भाई आया, तुरंत तेल डाल दिया, कोई बात ही नहीं, उसी में झगड़ा हो गया। ऐसा तेल था वो? छोला भटूरा निकालने के तेल गर्म हो रहा था, पट्टी गर्म तेल था, जो डाला गर्म तेल था, उससे तो पूरा झुलस गया। मारपीट भी की थी क्या? मार दिया, मेरा जल गया, मेरे छोटे भाई का उसे खोल दिया। अच्छा, इसके प्रशासन पे आपने इसको मामले को बताया? प्रशासन कोतवाली नगर कोतवाली में गए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ। क्या आश्वासन मिलता है प्रशासन? कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई नहीं। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, मुझे सब मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार गुप्ता। कैसे लगी चोट आपको? सर हम लोग बस अड्डे पे दुकान है मेरी, बाटी चौका छोले भटूरे की, सुबह सुबह हम लोग गए दुकान खोलने, सामने दुकान के आगे हमारे दुकान के आगे एक चाय का ठेला लगाता है, उससे केवल इतना है कि कहा गया भैया हमारे दुकान खोलने का समय हो गया, अपना ठेला किनारे कर लो, वो गाली गुप्तारी पकने लगा, फिर हाथापाई पे आमादा हो गया, हाथापाई जब करने लगा तो हम छुड़ाने चले गए, इतने में भटूरा के कढ़ाई चढ़ा था, तेल गर्म था, वो कुनिया से उलझ दिया तेल बड़े भाई के ऊपर, और मेरे सर पे वही कुनिया लाए मार दिया 3-4 बार, मेरा सर भी फट गया और बड़ा भाई भी जल गया। तो आपने इससे किसी को अवगत कराया प्रशासनिक अधिकारी? जी, नगर कोतवाली में हमने एफआईआर करवा दिया है। तो गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी तक तो फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से यही आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, पकड़ा नहीं गया कोई। कौन था वो? अभय नाम है एक का नाम है राज उर्फ बोतल, दोनों भाई, इनके पिता का नाम है पप्पू। कहाँ लगाते हैं आप अपने? बस अड्डे पे 56 भोग के जस्ट बगल। अच्छा, चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उनको सजा मिले, हमको लोगों को न्याय मिले।